ये हमारा ई मॉड्यूल है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स. इट इज़ डेवलप्ड बाय मी, डॉक्टर नरेश कुमार निर्मल. आई वेलकम यू ऑल इन दिस ऑनलाइन कोर्स ऑन बेसिक्स ऑफ माइक्रोस्कोपी फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स. फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ गोल्ड में लिखा है. इसका एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए माइक्रोस्कोपी की डिमांड्स अलग हैं, नीड्स अलग हैं. हमें मेनली फोकस करना होता है एप्लीकेशन पार्ट पर. स्पेसिमेन किस तरह का है, उसके लिए किस तरह की माइक्रोस्कोपी हमें चाहिए, और जो फोटो माइक्रोग्राफ्स आए हैं उनमें कौन सी कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको कैसे दूर करना है वो हमें पता होना चाहिए. सो हम इस माइक्रोस्कोपी के कोर्स की फर्दर डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं. इस ई मॉड्यूल में हम 13 लेक्चर्स करने वाले हैं. पहले लेक्चर जो है वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे फॉल इन लव विद माइक्रोस्कोपी, जिसमें हम सिर्फ यही देखेंगे कि हमें माइक्रोस्कोपी पढ़नी क्यों चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको माइक्रोस्कोपी से प्यार हो जाए, यानी आप उसे पसंद करने लगें और आपको पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आए. लेक्चर थ्री में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स. हम इन सभी टेक्निक्स का एक ओवरव्यू लेंगे. लेक्चर फोर में हम फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी पर आएंगे, और इसमें डिफरेंट सब टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप्स, लेंसेज एंड लाइट्स, बेसिक रे ऑप्टिक्स, रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन, कॉन्ट्रास्ट एंड एबरेशन. लेक्चर फाइव में हम देखेंगे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशंस. लेक्चर सिक्स में हम देखेंगे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी. लेक्चर सेवन में हम देखेंगे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी. देन लेक्चर एट में फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी. लेक्चर नाइन में कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी. लेक्चर टेन और इलेवन में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जो टेक्निक्स एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उनको डिटेल में देखेंगे. एंड लेक्चर ट्वेल्व में हम देखेंगे अगर कोई और माइक्रोस्कोपी की टेक्निक्स हैं तो वो कौन सी हैं. और लेक्चर थर्टीन में हम देखेंगे माइक्रोमेट्री. तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जिनको हम इस लेक्चर में करने वाले हैं. हम ये लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं, उससे पहले मैं डिस्क्लेमर अनाउंस करना चाह रहा हूँ. फर्स्ट, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड एक्सप्लेन्ड इन द लेक्चर्स आर करेक्ट अप टू माई अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज. हाउएवर, मिस्टेक्स एंड एरर्स इन अंडरस्टैंडिंग आर क्वाइट पॉसिबल. सजेशंस आर ट्रूली वेलकम. Second, images and videos included in lectures are for educational purpose only. Proper references have been made with wherever such material is being used. So, complex physics concepts and ray optics have been omitted. First, because it is for biology student, this course is for biology students. And secondly, because I'm also a biologist, so I have my limitations. I'm not a physicist. Fourth, mode of expression will be bilingual, that is English and Hindi. So my target group will involve PG students of zoology, biotechnology, microbiology and other life science branches, and UG students as well. ओके, गुड. तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस कोर्स में हम 13 लेक्चर्स करने वाले हैं. पहला लेक्चर तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इसमें आपने ये देखा कि किस तरह से हम डिफरेंट लेक्चर्स कवर करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स कवर करेंगे. दूसरा लेक्चर जो हमारा है वो है फॉल इन लव विद माइक्रोस्कोपी, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी टॉपिक करने से पहले उसकी ज़रूरत हमें पता होनी चाहिए कि हम क्यों करना चाहते हैं. हमारे अंदर एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए कुछ भी पढ़ने के लिए. तो माइक्रोस्कोपी पढ़ने की इंस्पिरेशन देने के लिए ये सेकंड लेक्चर मैंने बनाया है, जिसको हमने टाइटल दिया है फॉल इन लव विद माइक्रोस्कोपी. सो वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन, फॉल इन लव विद माइक्रोस्कोपी. ये एक फ्लोरोसेंट टर्टल एम्ब्रियो है. अब इस पॉन्ड पे नज़र डालिए. ये पॉन्ड जो है वो अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव है, बट अगर आप इसकी एक ड्रॉप वाटर की लें और उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको एक अलग ही एक दुनिया नज़र आएगी, और उस दुनिया को हम इस माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं.
देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक फोटो है, इमेज है जो मैंने नेट से ली है। इसमें डिफरेंट प्लैंकटॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी ये कौन से प्लैंकटॉन्स हैं, क्या इनके नाम हैं, उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ऑब्जर्व इट। यहाँ पर ये जो फोटोग्राफ है, ये मैंने हमने माइक्रोस्कोपी का जब प्रैक्टिकल हमने करवाया था MSc में एनवायरमेंटल बायोलॉजी स्टूडेंट्स को, तब हमने कैप्चर किया था। ये फोटो भी हमने तभी कैप्चर किया। सो इस तरह के प्लैंकटॉन्स बहुत सारे नंबर्स में अब प्रेजेंट रहते हैं उस वाटर में। ये जो इमेज है, ये हमने, ये एक वीडियो है जिसको हमने कैप्चर किया था हमारी ही लैब में। यहाँ पर वॉर्टिसेल आपको दिखाई दे रहा है, और वॉर्टिसेल जो है एक एल्की से अटैच्ड हैं और मूव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं क्लियरली। पे अटेंशन। सो आप देख सकते हैं कि पॉन्ड की एक छोटी सी ड्रॉप में इतनी सारी लाइफ है, एक माइक्रोस्कोपिक लाइफ है। यहाँ पर कुछ इमेजेस मैंने इंटरनेट से ली हैं। ये एक सेम इमेज है अमीबा की, जिसका नाम है यूग्लिफा स्ट्रिगोसा। तो ये फॉल्स कलर्ड इमेज है, और ये जो अमीबा है, ये अपने ऊपर एक सिलिका प्लेट्स का एक कवच बनाता है। देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग। ये अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज मुझे मिली BBC.com से, जिसमें हैप्पी साइनोबैक्टीरिया एक डैम से इसको दिखाया गया है। अभी आपको ये नहीं देखना है कि क्या है ये, आई स्पॉट क्या है, ये लिप्स क्या हैं। जस्ट ऑब्जर्व इट एंड पे अटेंशन। ये देखिए, ये फेरी फ्लाई का इमेज है, जिसको एक इल्यूमिनेशन मेथड है, रीनबर्ग इल्यूमिनेशन, उससे लिया गया है। देन ये एक इमोर्टलाइज्ड ह्यूमन स्किन सेल का एक इमेज है, जिसमें केराटिन को फ्लोरोसेंटली लेबल किया हुआ है। आप पढ़ सकते हैं कि एक फोटो माइक्रोग्राफी कंपटीशन निकॉन करवाता है हर साल, और उसका जो 2017 का जो विनर था, फर्स्ट प्राइज था, उसकी ये इमेज है। कितनी इंटरेस्टिंग है, ये केराटिन फाइबर्स है। ये एक और इमेज है सेल्स की, जिसमें फिलामेंटस एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं हमारी हमारी सेल्स में, ये माउस फाइब्रोब्लास्ट की एक इमेज है। देख सकते हैं हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। इस इमेज में आप देख रहे हो एक डेफनिया जो है और एक हाइड्रा जो है, वो दोनों साथ में हैं। हाइड्रा उस डेफनिया को कैप्चर कर रहा है, पॉसिबली उसको खाना चाहता है। तो ये तो ही कुछ फोटोज, अब कुछ वीडियोस देखते हैं। यहाँ पर आप देखो एक पैरामीशियम की एक फोटो है, एक वीडियो है सॉरी, इसमें किस तरह से रेडियल कैनाल्स अपना वाटर जो है, एक सर्कुलर जो कैनाल है, सर्कुलर वैक्यूल है, उसमें एम्प्टी कर रही है, और फिर वो सर्कुलर वैक्यूल प्लाज्मा लीमा के पास आएगी और अपना वाटर बाहर एक्सपेल करेगी। ये देखिए, कैन यू सी, नेक्स्ट वीडियो ये और भी इंटरेस्टिंग है। इसमें जेब्रा फिश एम्ब्रियो किस तरह से नर्वस सिस्टम को ग्रो करता है, देखो ये जो न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं, यहाँ पर न्यूरॉन्स ग्रो कर रहे हैं, एक पूरा न्यूरल नेटवर्क बन रहा है।
तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग है ये सब। सो ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे और पावरफुल माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल हैं। तो ये माइक्रोस्कोप्स किन प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, क्या इनके कंपोनेंट्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में।